जन समस्या को लेकर मझरिया गांव में पहुंचे माले विधायक वीरेंद्र गुप्ता। न्यूज़ 9 टाइम्स। मैनाटांड से मुसायब अहमद के साथ सफीर अहमद की रिपोर्ट। मैनाटांड प्रखंड क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर थाना अंतर्गत महुआवा सगरौवा पंचायत के मझरिया गांव में, जहां ग्रामीणों ने सिकटा माले विधायक वीरेंद्र गुप्ता से मझरिया के दक्षिण दिशा पुल से लेकर उत्तर दिशा पुल तक, यह रास्ता कच्ची होने के कारण बरसात के दिनों में आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और वहीं गांव के दलित बस्ती में 11,000 के बिजली के तार घरों के ऊपर से गया हुआ है, जो दलित बस्ती के तरफ कभी भी एक बड़ी घटना हो सकती है। 11,000 बिजली के तारों से स्थानीय ग्रामीणों ने सिकटा माले विधायक से समस्या को अवगत कराया और वहीं विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने ग्रामीणों को बताया कि नहर के रास्ता को जल्द से जल्द बनने का आश्वासन दिया और दलित बस्ती के घरों के ऊपर से 11,000 वोल्ट के तारों को भी सुधार करने को कहा। वहीं मौके पर पूर्व एनसीपी विधायक प्रत्याशी बाबू एम आलम, पंच असरार आलम उर्फ लालू, रामजीत राम, वार्ड सदस्य जियाउर रहमान मुश्ताक, अब्दुल बारी, सलाउद्दीन, सरफुद्दीन अख्तर, मंजर, सदर आलम, ललन राम, भवन राम, पुंदेव बैठा, किशुनदेव पासवान इत्यादि मौजूद रहे। न्यूज़ 9 टाइम्स। सर, जो जन समस्या को लेकर आप पहुंचे हैं, इस पे क्या कहना है? ये मैनाटांड़ का मझरिया गांव है जी। और यहाँ नहर के पर से रास्ता गुजरता है जी। जो कच्चा है और इधर में अभी बरसात में आना जाना मुश्किल काम है। यहाँ स्कूल भी है, दलित आबादी है, तो बहुत सारे जगह काम हुए लेकिन इस जगह काम नहीं हुए हैं। तो इस कच्चे रास्ते को हम लोग क्रमशः पक्का करेंगे। फिलहाल इसका हम लोग खड़ंजा इसका बनवाते हैं हम लोग, और उसके बाद आगे हम लोग इसका जी। ग्रामवासियों ने आपसे बहुत उम्मीद लगा रखा कि ये आप बनवा देंगे। बात तो वही कह रहे हैं कि अभी ये इतना बड़ा योजना है कि वो जो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास निधि है, इसमें पूरे एक साथ करना मुश्किल है, इसलिए अभी इसको हम लोग खड़ंजा करेंगे और फिर टुकड़ों टुकड़ों में इसका पीसीसी होगा आगे। बहुत अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर।